नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। धमदा में साधना न्यूज के संवाददाता ने भाजपा नेता पीयूष ताम्रकार से खास बातचीत की, जहां पीयूष ताम्रकार ने बताया कि एक बार फिर जनता पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर पीएम की गारंटी से विकसित भारत समृद्ध प्रदेश की 11 की 11 सीटों पर जीतेंगे। साथ ही कहा कि देश में 400 के पार लोकसभा सीट भाजपा जीत कर लाएगी। नमस्कार, मैं हूं निकेत ताम्रकार और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। साधना न्यूज का सबसे बेहतर प्रोग्राम चाय पे चर्चा। इस चर्चा के दौरान एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ जाते हैं एक खास पार्टी को लेकर। आज हमारे बीजेपी के धमदा से, दुर्ग जिले के धमदा, जो एक हाई प्रोफाइल सीट साझा विधानसभा दुर्ग लोकसभा में सबसे बड़ा एक गढ़ माना जाता है धमदा, वहाँ से पीयूष ताम्रकार हैं हमारे साथ। आइए इनसे बात करते हैं। पीयूष जी नमस्कार। धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा, आज आपके साथ इंटरव्यू देने का यह अवसर प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए जी पीयूष जी, लोकसभा चुनाव 2024 लगभग अब पूर्ण रूप से खत्म होने की कगार पर है, क्या लगता है बीजेपी से? एक तरफ दुर्ग लोकसभा एक हाई प्रोफाइल सीट है जहाँ पर बीजेपी से विजय बघेल और कांग्रेस से राजेंद्र साहू, इनकी तुलना कैसे करते हैं? नहीं, दोनों ही प्रत्याशी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी और विजय बघेल जी की जीत सुनिश्चित है और काफ़ी लंबे मार्जिन से हम जीतेंगे और पिछला सभी रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे निश्चित रूप से। जनता के बीच आप गए होंगे कार्यकर्ता के रूप में चुनाव के दौरान, क्या मुद्दों को लेकर गए, क्या विजन था, कैसा आपका पिछला कार्यकाल था? हमारा एक ही मिशन है, एक ही हमारा उद्देश्य था विकसित भारत का, और विकसित भारत का सपना लेके ही हम लोगों के बीच में गए। गांव गांव में हमने लोगों से देखा जाना, हर घर में आवास आया है, हर गांव में आवास आया है, हर गांव में शौचालय आया है, आयुष्मान कार्ड हर गांव में बना है, जल जीवन मिशन के तहत नल हर घर पहुँचा है, और साथ ही साथ हर छोटी छोटी चीज़ों को हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक मूल ग्रामीण का विकास हुआ है उसको लेके गए। और एक सबसे अच्छी हमारी योजना रही मातृत्व को लेके, जो महतारी वंदन योजना है, उसके लिए महतारी में माताओं में बहुत उत्साह था, तो उसके कारण हमारे को बहुत अपनी जीत का पूरा भरोसा। तो भी से इस समय हम लोग का जो जानकारी के अनुसार आम लोगों को मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है, जैसे आप पाइपलाइन की बात किए, पानी घर तक पहुँचाने की बात किए और राशन की लेकर बात किए, क्या कारण हो सकता है इन सब मूलभूत सुविधाओं का? लोगों का बिजली बिल एकदम बढ़ के आता था, क्या कारण है? 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही है, अभी 4 महीने पहले जो कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें सिर्फ एक ही काम होता था, भ्रष्टाचार। अब 4 महीने में सिस्टम धीरे धीरे बन रहा है, आप देखेंगे साए साए काम हो रहा है, गरीबों के घर में जो आवास को कार्यक्रम को रोका गया था, 18 लाख आवास मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आते ही चालू करवाया है, उसके साथ ही 1000 रुपया प्रति महीना आज 3-4 बार आ चुका है, और ऐसे ही धीरे धीरे हमने अभी पटवारियों के खिलाफ शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया। तो सरलीकरण जो होता है तो कार्यक्रमों का, हमारी सरकार की एक सोच है कि गरीब का काम तुरंत हो, सरकारी दरवाजे उसको बार बार जाना ना पड़े, और उस अवधारणा के अनुरूप काम होने लगा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 4 से 5 महीना हो गई आपकी सरकार बीजेपी के यहाँ पे बन चुकी है और मुख्यमंत्री शायद भी हैं, क्या योजना इन्होंने लागू किया जो आमजनों को ज़्यादा इफेक्ट किया होगा, आपके चुनावी वोटरों को बढ़ाने में इफेक्ट किया होगा? 4 महीने की जब हमारी सरकार यहाँ पे बनी है, उस 4 महीने में अभी आपने कल सुना होगा मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम गर्मी का धान भी खरीदेंगे, तो जब सबसे पहले जब हम सरकार में आते हैं तो हमारा एक मुश्त धनराशि जो किसानों को हमने दिया धान के एवज में, पहला तो वो योजना हो गया, दूसरा हम 2 साल का बकाया बोनस दिए, वो हमारी दूसरी बड़ी योजना हो गई, तीसरा हमने मातृत्व वंदन योजना चालू की, तीसरी बड़ी योजना हो गई, ऐसी तमाम छोटी छोटी आप चीज़ों को देखेंगे तो किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट का पैसा आने लगा, उसके कारण मैं एकदम आपको एकदम सुनिश्चित होकर कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट हम जीते। एक बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ में मुद्दा रहा शराबबंदी को लेकर, जब तक के सरकार में आप नहीं थे
तब तक के शराबबंदी को लेकर आपने थाना का घेराव किया, शराब बंद करने का आह्वान किया, बहुत नारेबाजी की, सरकार को भी घेरा। अब बीजेपी की चूंकि सरकार 4 से 5 में होगी, शराबबंदी को तो छोड़ो, अब तो चकना सेंटर भी आपने चालू कर दिया, क्या इस विषय पर कहना चाहेंगे? देखिए, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप समझिए कि जो पार्टी गंगा जल की कसम लेके आती है कि हम शराबबंदी करेंगे, हमने तो कोई ऐसा घोषणा नहीं किया कि हम शराबबंदी करेंगे, पहली चीज। फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे अगर जनभावना अगर ऐसी जुड़ती है कि शराबबंदी होनी चाहिए, तो आगे पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में ये बोल के नहीं गई थी, ना ही गंगा जल को छू के गई थी कि हम शराबबंदी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आहाता का जो होता था उसको हमने अभी गवर्नमेंट अपने अधीन कर लिया और टेंडर सिस्टम किया, तो उससे राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया जो कि सराहनीय है। और बाकी भविष्य में देखिए आप, क्या अगर जनभावना ऐसी जुड़ती है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होना चाहिए, तो बड़े वरिष्ठ नेता उस पर निर्णय लेंगे। और अभी काफ़ी कम समय हुआ है, 3-4 महीने की सरकार है अभी, ये काफ़ी बड़े विषय हैं, इसका अभी होगा बहुत कुछ। शुरू में भूपेश बघेल जी की सरकार बिजली हाफ का एक फॉर्मूला बहुत बड़ा था जो कि लोगों में बहुत चला और काफ़ी लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया। अभी सरकार आती ही बिजली के दरों में बढ़ोतरी की जा रही है और बिजली कटौती की जा रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, कटौती तो छत्तीसगढ़ पे नहीं हो रही है, ऐसी कोई समस्या छत्तीसगढ़ में बिजली को लेकर तो नहीं है। अब कहीं पर अभी कोई जगह पॉइंट की जाए, अगर यहाँ पे बंद हो रहा है तो उसका कुछ अलग कारण हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि आपने पूछा कि हाफ बिजली बिल, कैसा बिजली बिल हाफ आता था उसी का तो परिणाम आया है हमारे पास, उसी के कारण तो हम जीते हैं। बिजली बिल हाफ नहीं हो के बिजली बिल साफ हो गया था, बिजली ही नहीं रहती थी, तो ये कई कारण है। और बाकी अब उस पर बिजली बिल ऐसा अभी कोई बढ़ोतरी की गई है ऐसा तो मेरे ध्यान में नहीं।